नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 10 जनवरी 2019 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैंने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। जो बाइसेल लेवल दिखाता हूँ और 100 डे ईमे का स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ और इनसाइड द बार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाता हूँ, कौन कौन स्टॉक में बना है और फिबोनाच लेवल भी दिखाता हूँ। तो उसका आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को 95% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे सकता है और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैंने ये बहुत यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा और ये मेरा जो बाई लेवल एंड सेल लेवल का फाइल है उसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं उधर से। और मेरा ग्रुप में ज्वाइन होकर आप लोग कुछ दिन के लिए फ्री ट्रायल में ज्वाइन होकर देख सकते हैं। तो इसका सब लिंक आप लोग यूट्यूब वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए निफ्टी 50 आज जो कॉल जो मैंने बोला था कि एक बुलिश रिवर्सल वाला पैटर्न तोड़ी हुआ फॉर्मेशन हुआ है तो ये और 138.2% में ये सपोर्ट लिया है। तो ये ब्रेक करता था तो ये नीचे आता था, लेकिन बुलिश जो रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था तो इसी वजह से ये रिवर्सल हुआ और गैप अप ओपनिंग हुआ था। आप लोग को कॉल वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने चार्ट में भी दिखाया और मेरा एक्सेल फाइल में भी ऐसा दिखाया था कि उधर फॉर्मेशन हुआ था। तो इधर देखिए ये ऐसे अभी 38.2% के ऊपर जाके ये गैप अप ओपनिंग होके 38.2% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये थोड़ा सा अभी बुलिश लग रहा है लेकिन ये कॉन्सोलिडेट करेगा। और इधर 300 का ऊपर ये 300 में इसका बहुत ही रेजिस्टेंस है, 300 क्रॉस करना थोड़ा सा तकलीफ होगा इसका। 300 क्रॉस करने के बाद ये 400 या 500 तक जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी आप लोग निफ्टी ज़्यादा हाई ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड में नहीं जा पाएगा। तो उसका रीजन भी मैंने बताया था, इसका PE रेशियो जो 28 है वो और IV का जो है उस वो भी बहुत हाई रेंज में 1500 में है। तो इधर उस सब को नीचे आना पड़ेगा तो उसके बाद ही अब निफ्टी अप ट्रेंड फिर से ले सकता है, नहीं तो अभी ये ऐसे ही कंप्लीट करते रहेगा। तो और एक डाउन मूवमेंट आएगा तो तभी जाके ये फिर से अच्छी तरह से 11,000 के आसपास आएगा तभी ये जाके ऊपर अप ट्रेंड ले सकता है। तो इधर अभी ये कंप्लीट करेगा ऐसा 12,300 या 12,400 ज़्यादा से ज़्यादा और नीचे आएगा फिर ये 11,800 साढ़े 800 या 11,750 तक। तो ये ऐसे ही कंसोलिडेट करते रहेगा। तो देखिए ऐसे ही हुआ था, ये बुलिश अपना रिवर्सल बना था उसके बाद ये 38.2% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अभी इसका ये कंसोलिडेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अप ट्रेंड जाएगा तो ये 12,300 तक इसे जाना जा सकता है। और निफ्टी बैंक का जो चार्ट देखूँगा तो निफ्टी बैंक में भी ऐसा ही है, ये गैप बुलिश रिवर्सल हुआ था उसके बाद ये 38.2% का जाके ये रुक गया है। इधर 32,000 तक गैप गया था उसके बाद ये 32,500 तक ये जा सकता है और नीचे जब आएगा तो ये रिट्रेस होएगा। रिट्रेस होने के बाद ये 31,500 तक ये इसका रिट्रेस होकर आ सकता है। और इधर ऑप्शन चेन में देखूंगा तो निफ्टी का जो PCR रेशियो है 1.77 हो गया, मतलब ये थ्रेशोल्ड लिमिट इसका हाई का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 1.5 है और उसके बाद उसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये ज़रूर कंसोलिडेशन होगा, ये इंडिकेट कर रहा है ये कंसोलिडेशन होगा। ये मैंने ये 3 जनवरी इसका जो PCR रेशियो है ये 1.77 है। तो ये इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 12,300 में, इसका रेजिस्टेंस बना है कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,100 में है। इधर बहुत ही शॉर्टिंग हुआ है, इधर शॉर्ट कवरिंग जरूर होएगा और इसी की वजह से ये कॉन्सोलिडेशन होगा। 1.77 से PCR रेशियो नीचे आना ही पड़ेगा
1.9 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, तो उसके उसके वजह से निफ्टी बैंक ज़्यादा से 12,300 के आसपास जा सकता है, उसके बाद इसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये निफ्टी मूवमेंट होगा अभी, और बैंक निफ्टी का देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का भी ऐसे ही मान के चलेगा, ये निफ्टी के साथ ही चलता है। निफ्टी आईटी रिवर्सल जाता है, और एनीवे वो बाद में बताऊंगा। तो ये बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो 1.41 है, ये 1.5 तक जा सकता है। 32,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है लॉन्ग बिल्डअप, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और 21,500 में इसका सपोर्ट बना है। इधर भी हेवी शॉर्टिंग हुआ है, तो इसके वजह से इधर पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग जरूर होगा, और इतना शॉर्ट कवरिंग होने से वजह से बैंक निफ्टी भी नीचे आने का प्रोबेबिलिटीज है। और इधर जो प्रोबेबिलिटी आप लोग देख सकता है, प्रोबेबिलिटी 12,100 में इसका, और 12,300 के जाने, इधर प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आप दिखा रहा है 7 दिन का हिसाब से, और बैंक निफ्टी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है 7 दिन का हिसाब से। और इधर मैंने देख लेता हूँ एक बार कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ कि नहीं है, कल भी आप लोग को दिखाया था बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना था, तो आज भी एक बार देख लेता है इधर कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। ये आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी देख सकता है, इधर NR4 एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मतलब ये जिसका जो आज का जो हाई लो है, आज का जो हाई लो है वो ब्रेक होने के बाद ये मूवमेंट दे सकता है। और क्या पैटर्न देखना पड़ेगा, इधर कुछ एनकेस, ये भी थोड़ा सा रिवर्सल जैसा पैटर्न दिख रहा है। ये जो एनकेस का पैटर्न है, थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न है, मास्टर लॉन्ग 3.5 ये इसका भी बना है, रिवर्सल मतलब बुलिश रिवर्सल ही बना है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है। इधर ट्रेंड लाइन बियरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, और इधर बियरिश अबंडेंट बेबी आप लोग देख सकता है, ये गैप अप हुआ है, तो इसलिए बियरिश अबंडेंट बेबी गैप अप हुआ है, तो इसलिए ये बियरिश अबंडेंट बेबी दिखा रहा है। और भी कुछ पैटर्न थ्री ये बना है, पैटर्न फाइव ये बना है, और जो दिखाता चाहता हूँ वो इधर अभी इसे तो देखिए दिख नहीं पाएगा, लोग को इधर से डाउनलोड करके दिखाना पड़ेगा, देखते हैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, टाइम परमिट करेगा तो आप लोग को लेवल दिखा दूँगा, कल का जो लेवल था वो आज कैसे मैच किया है, कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं चार्ट में। तो ये फाइल कल मैंने दिया था, तो बहुत ही स्लो है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इधर देखिए, पहले मैंने बाई सेल लेवल दिखाता हूँ, बाई सेल लेवल कल का जो बाई सेल लेवल था, इधर 31,390 में बाई था, और 31,248 में सेल लेवल था, तो